वो कहेंगे अब उठ के बैठ जा, ये तुम्हारे दोस्त हमें तुम्हारे करीब नहीं आने देते, अब तू बता ये हस्ती कौन है। अब एक दोस्त उस लम्हे के लिए भी चाहिए कि आप उस वक्त जब पूछा जाए तो आप पहचान सके, कहीं उस सवाल में मार ना खा जाए। सोचे उस लम्हे का, आका का चेहरा अनवर दिखाया जा रहा हो और कितनी बदनसीबी होगी उस शख्स की, चेहरे पाक सामने हो और वो कहे हा लादरी लादरी, मालूम नहीं पहचान नहीं सकता कौन है, उसका क्या हाल होगा, उसका क्या हाल होगा। एक दोस्त वो चाहिए, सारे दोस्त काम आ गए उस लम्हे, किसी ने मदद नहीं करनी, नमाज भी चुप खड़ी होगी, रोजा भी चुप, सब उस वक्त खामोश जब सलाम हो गया कि ये हस्ती कौन है, कोई लुकमा नहीं दे सकेगा। बस उस वक्त के लिए भी एक दोस्त आप चाहते हैं, बता दूं, बोलिए बता दूं। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने उस दोस्त का भी इंतजाम कर दिया है आपके लिए, कर दिया है, अल्लाह की इज्जत का कसम कर दिया है, आज आपको बता देता हूं ताकि आप उससे दोस्ती बना लें। उस लम्हे जब आका का चेहरा अनवर सामने होगा, एक दोस्त उस वक्त भी चाहिए कि जो आपको पहचान करा दे, और वो दोस्त हुजूर पर दरूद व सलाम है। जो शख्स कसरत के साथ मेरे आका पे दरूद व सलाम जिंदगी भर पढ़ता होगा, हर लम्हा पढ़ता होगा, कसरत से पढ़ता होगा, जब चेहरा मुस्तफा सामने होगा और हर कोई चुप खड़ा होगा, लुकमा देने की जरूरत नहीं होगी, पहचान का वक्त है कि खुद पहचान ये कौन है, उस वक्त जो दोस्त काम आएगा पहचान कराने में, वो दरूद व सलाम। उसके लिए मैंने पूरी तहरीके मिनाजुल कुरान के लिए कि उस लम्हे दोस्त काम आए गोशे दरूद बना दिया है, गोशे दरूद, ताकि एक गोशा ऐसा गोशा तन्हाई भी बन जाए कि जहां आप आए और 24 घंटे सिवाय आका पर दरूद व सलाम के कुछ और ना करें, नमाज पंजगाना फराइज के सिवा और तहज्जुद के सिवा, और रोजे से रहें, सारे अमाल यकजा कर दिए गोशे दरूद में, 10 दिन गोशे दरूद में आने वाले आते हैं, 10 के 10 दिन रोजे से रहते हैं तो रोजे भी आ गए, 10 के 10 दिन पंजगाना नमाज के साथ तहज्जुद और इशराक पढ़ते हैं, अवाबीन पढ़ते हैं, नवाफिल इबादात भी आ गई, 10 के 10 दिन वहां गोशे में तिलावत होती है, कुरान की किरात भी आ गई, और आखिरी चीज जिसने हुजूर की पहचान करानी है वो लाखों की तादाद में 24 घंटे तसलसल से हुजूर पे दरूद भेजा जाता है, दरूद व सलाम भेजा जाता है। हर अमल अपना अपना किरदार अदा करेगा, जब चेहरे मुस्तफा के दीदार का वक्त आएगा और पूछा जाएगा बता ये कौन है, इनको पहचानते हो, उस वक्त दरूद व सलाम काम आएगा। यहां मैं एक अपने विजदान की बात कहता हूं, और मैंने इसको बड़े लोगों के अहवाल में हुआ भी है, अहवाल में हुआ भी है, बड़े बड़े अकाबिर अगले जमानों के वाकयात में है, वफात हो गई, किसी ने पूछा तो तुम्हारे साथ क्या हुआ, खुदा का शुक्र है उस लम्हे कामयाबी से गुजर गया, उन्होंने पूछा कौन सा अमल काम आया, उन्होंने कहा हुजूर पर दरूद पढ़ना काम आ गया, दरूद पढ़ना काम आ गया। और मैं बताना चाहता हूं अगर कसरत के साथ जिंदगी में इस दरूद के अमल को 10-10 दिन आए, सारे काम सिर्फ हुजूर के दरूद और सलाम के लिए छोड़ दें, इस नियत से आए कि 10 दिन रात जाके सिर्फ हुजूर पे दरूद और सलाम भेजना है, क्या होगा, शनासाई पैदा होगी, रोज हजारों लाखों की तादाद में शाम के वक्त रजिस्टर खुलेगा,
گوشہ درود سے آقا کی بارگاہ میں درود پیش ہوگا. اور حدیث پاک میں ہے فرشتے نام والدین کا باپ دادے کا نام علاقہ محلہ پتہ تک بتا کے پیش کرتے ہیں, حضور فلاں ابن فلاں نے درود بھیجا ہے, اتنی بار بھیجا ہے, فلاں جگہ سے بھیجا ہے. تو حضور ہر روز سنیں گے 10 دن اور پھر پلٹ کے دوبارہ کبھی آ جائیں پھر آ جائیں. تو 10 جب زندگی میں اس عمل کو گوشہ درود میں ہمیشہ جاری رکھیں گے تو کچھ بعید نہیں, آخری بات کہہ رہا ہوں, کچھ بعید نہیں کہ درود سلام پڑھتے 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 تعلق ایسا بن جائے کہ جب آقا کا چہرہ پاک سامنے ہو اور فرشتے پوچھیں کہ بتاؤ یہ کون ہیں, تو شاید یہ تعلق بھی ہو جائے کہ آقا بڑھ کے کہیں فرشتوں اب اس سے نہ پوچھو مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے. ابھی